नैनीताल जिला प्रशासन और खनन विभाग की कार्रवाई के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पूर्वी तराई वन प्रभाग के डौली रेंज का है, जहां वन विभाग की टीम ने अवैध खनन करते हुए 4 वाहनों को सीज किया है, जबकि मौका पाकर कुछ खनन माफिया भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने गौला नदी की आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध खनन कर रहे थे, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रैक्टरों को सीज कर दिया है। मैं डौली रेंज के अंतर्गत इस माह अभी तक कुल 10 वाहन पकड़कर सीज कर दिए गए हैं, जिसमें हाल ही में अभी 4 वाहन पकड़े गए। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जंगल से अवैध खनन करते हुए मौके में पकड़ा। इसके अलावा 2 अभी बड़े ट्रक किच्छा बाईपास के पास हमने मौके पर पकड़े हैं और उन ट्रकों पर, इन वाहनों पर वन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर। वहीं इन लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से ताका जोशी की रिपोर्ट।